अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, लास्ट लेक्चर हमने जो लिया वो था स्कूल ऑफ थॉट्स का, क्या ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री तक हमने ट्रेस किया था। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे जी UDHR, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948। जैसा कि पहले लेक्चर में भी मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे। ओनली डील्स विद द ह्यूमन राइट्स, जो कि December 10, 1948 में जो थे, इसके 56 मेंबर्स थे, ये अरेंज किया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, रेफर्ड एज मैग्ना कार्टा से। कैसे इसको रेफर किया गया, कि जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि मैग्ना कार्टा 1215 में दिया गया था, तो ये पहला मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। ये रेफर तकरीबन ज़्यादातर इसके जो पॉइंट्स थे वो मैग्ना कार्टा से ही रिलेटेड थे या उसी के पॉइंट्स थे। ओके, UDHR साइन टू ट्रीटीज, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसने दो ट्रीटीज इसे साइन की थी, टू कॉवेनेंट्स डील सेपरेटली, दो कॉवेनेंट्स बनाए गए थे जो कि डिफरेंट डील करते थे। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स ICCPR दैट फोकसेज ऑन सर्वाइवल, फ्रीडम, रिलीजन एंड वोटिंग। द सेकेंड कॉवेनेंट दैट वॉज इन द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट ICESCR, ये फोकस करता था फूड, एजुकेशन, हेल्थ और शेल्टर पे। साइन किया गया 1948 में, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेट मेंशन की है 1997 में 130 नेशंस अप्रूव्ड टू कॉन्वेंट्स। पर इसमें भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कुछ जो थे वो पॉइंट्स अप्रूव किए थे और कुछ इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। और यूनाइटेड नेशन ने जो इसमें अप्रूव किए थे कुछ जो थे वो थे एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, prevention of crime of genocide, what is genocide, to end some total किसी भी नेशन को तकरीबन टोटल एंड कर देना वो जेनोसाइड में आता है, पोलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, स्लेवरी कन्वेंशन ऑफ 1926, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रूअल। ओके, अफ्रीकन स्टेट्स रिजेक्टेड, अफ्रीकन्स ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज दे सेड वी हैव आर ऑन स्टेट्स एंड इश्यूज, वी विल मेक आर ऑन चार्टर। मुस्लिम वर्ल्ड, we will follow Cairo Declaration of HR Human Rights in Islam 1919 में मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से Cairo Declaration दिया गया था। चाइना ने भी अपना एक बना लिया चार्टर, कोरिया ने भी बना लिया, USA in the start was following the same United Charter but afterwards they made their own। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो NGOs जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही तकरीबन काम करती आई हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कम ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कि ह्यूमन राइट को सपोर्ट करते हैं। ओके, जो NGOs थी उन्होंने जो है प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को नॉट टू वायलेट द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल थी, द एंटी स्लेवरी सोसाइटी, द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट था, द इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजियस अफेयर्स था, उसके बाद HR वॉच और बहुत सारे ऐसे NGOs थी जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया या उनकी वायलेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। मैग्ना कार्टा ने सबसे पहले जो था 1935 AD में इसका आया था, बट स्क्रिप्ट जो था इसका जो लिखा गया वो 13th सेंचुरी में लिखा गया, 1215। स्टिल वी आर नॉट एबल टू फॉलो द लॉज एज एन एंशियंट टाइम्स। जैसा कि पुराने दौर में लोग इस बात को समझते नहीं थे कि ह्यूमन राइट्स किस कदर अहमियत रखता है, वैसा ही आज भी है कि हम बेधड़क जो है लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। पर कुछ जो चेंज आया थोड़ा बहुत वो जाके 18th सेंचुरी में आया, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब ये कैसे हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। गो एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन।